जल चढ़ाने के बाद में आज बैसाख की शिवरात्रि है, जल समर्पित किया है, जल चढ़ाने के बाद में आचमन किया थोड़ा बहुत। अरे बोलो तो जम के किया है ना। जिसको डॉक्टर कह देता है कि इसको नाड़ियां चोक हो गई हैं, नसें ब्लॉक हो गई हैं, इसका बाईपास करना पड़ेगा, रिंग डालना पड़ेगा या पाइप डालना पड़ेगा, उस व्यक्ति को ऑपरेशन कराने से पहले किसी भी शिवरात्रि पर, किसी भी शिवरात्रि पर महाराज काली तिल और लाल चंदन इन दोनों को पीस कर घिस कर उसका उपटन बनाना, शंकर भगवान पर उसका लेपन करना चाहिए किसी भी शिवरात्रि। और एक मिनट, दो मिनट, पांच मिनट अपने नाम और गोत्र को बोलकर शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए। जो उपटन लगाया गया है उस उपटन में से थोड़ी सी मात्रा लाल चंदन की, काली तिल की, जो पीस कर अपने शिव जी पर लगाया है उसको लेकर आकर वक्षस्थल पर 7 दिन या 8 दिन उसको लगाना चाहिए। 8 दिन के बाद में फिर डॉक्टर के पास चेक करवाने जाओ, क्या अब ऑपरेशन की जरूरत है वो बता देगा। पर विश्वास रखकर करो। जैसे एक पत्र आया, देखिए पत्र तो बहुत सारे हैं, जब पढ़ा जाएंगे तब बता दिए जाएंगे, ठीक है। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। मनीषा सेन, पिता कैलाश चंद्र जी सेन, थावरिया बाजार रतलाम से हैं। कहीं हैं, बैठे हैं? अगर बैठे हो तो हाथ हिला दीजिए। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला। हर हर महादेव। मेरा ससुराल जावद है, गुरुजी मुझे 2019 से मैं बीमार हो गई, जांच करवाई तो पता चला कि मुझे गर्भाशय में गांठ थी, फिर उसकी जांच करवाई गई, जो गांठ निकली उसकी जांच करवाई गई गुरुजी, वह गांठ कैंसर की थी। उसके बाद में गुजरात के हॉस्पिटल में मेरा इलाज शुरू हुआ और ऑपरेशन करवाया गया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे मेरी किडनी में भी असर हुआ, दोनों किडनियों में नलियां लगाई गई, तभी शरीर सूखता गया। उसके बाद आयुर्वेदिक दवाइयां लेना प्रारंभ किया गया, उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ा। तब मैंने मोबाइल पर आपकी वीडियो क्लिप आया, उसमें आपने कहा कि अगर आपको कोई औषधि ले रहे हो और वो औषधि नहीं लग रही तो उसको शंकर जी को समर्पित कर दो और शिव जी से कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने के बाद बाबा से विनती कर कर कहो कि बाबा जब आप जहर का प्याला पी सकते हो तो क्या मेरा रोग नहीं पी सकते। और बाबा से विनय करा, निवेदन करा। मैं बिस्तर पर पड़ी रहती थी, उठ नहीं पाती थी, मुझसे चला नहीं जाता था, पर बाबा की ऐसी कृपा है कि जब से मैंने ये उपाय करा है आज कथा में 6 दिन से कथा लगातार श्रवण कर रही हूं। ये कैंसर के मरीजों का हाल है कि शिव बैठा है। बैठो बहन, बाबा की कथा में आए हो और बाबा ने इतना अच्छा कर दिया है ना आपको, तो उस पर विश्वास करना और जल्दी पूर्ण तरह से ठीक कर देगा, उस पर भरोसा पूरा रखिए।
अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जिस शंकर की आराधना करता है शिव तत्व में डूबा रहता है, शिव आराधना में डूबा रहता है, जिसका विश्वास पक्का है तो समझ लो शिव तुम्हारे साथ हर पल खड़ा हुआ है, हर जगह खड़ा हुआ है। विश्वास पक्का होना चाहिए।